कार जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें एक नगीना है, वो मैं हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू नो ऑल द बेस्ट, क्योंकि हम पैंडमिक से आप पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं, सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। सो मुझे पता है फॉर अ गर्ल टू हैव सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी शॉप्स टू शॉप, यू नो इतने सारे ब्रांड्स एक साथ होंगे, अच्छा खाना होगा, अच्छा म्यूज़िक होगा, मैंने अभी भी सुना कि वहाँ पर एक फन जोन भी होगा। सो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड कि हम एक शॉपिंग स्पेयर में जाने वाले, जहाँ पे इनका क्रेडिट कार्ड और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। सो आप तैयार हैं? ऑफ कोर्स, मैं अपने क्रेडिट कार्ड सारे जिम में रख के लेके आया हूँ, और मैं जैसा कि मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होगी, कि अगर इनको लगता है कि शॉपिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से वो शॉपिंग का एक्सपीरियंस जो है सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पर हो गया है। हम फ़ोन पर ऑर्डर करते हैं, घर आता है, चेंज किया और पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन जो मज़ा शॉप पे जाके शॉपिंग करने में, वो मज़ा घर पे बैठ के नहीं है। तो यहाँ पे आके क्योंकि दोस्तों के साथ में घूमने भी आ सकते हो, घर से बाहर निकल के आप यू नो खुश हो सकते हो, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो ये बेटर एनवायरनमेंट है। I'm not a brand conscious person. I wear everything from Lokhandwala to Elko Market to Bandra. It just needs to look good. And मुझे लगता है कि आप जो भी पहनोगे वो खुद ही आपका स्टाइल बन जाएगा। कुछ चीज़ें हैं बट पाइपलाइन में, सो वंस इट हैपेंस आई विल लेट यू गाइस नो। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग को शॉपिंग हमेशा बहुत अच्छी लगती है, अलग अलग ड्रेसेस, ज्वेलरी, शूज़। तो 5 साल पहले, कोविड के पहले, नेहा ने मुझे इस बी टाउन वीकली मार्केट पे बुलाया था, और बहुत समय गुजर गया है, तो आई एम ग्लैड कि मैं अपने शॉपिंग के लिस्ट को वापस अपडेट कर सकती हूँ। तो मैं खास करके नेहा फ्रॉम लाडीडा के लिए आई हूँ, और मैंने आज लाडीडा पहना भी है नेहा से, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। Yes, my new film is coming with Vidyut Jamwal. So, fingers crossed, वो थिएटर में लगेगी और धमाल मचाएगी। किरदार के बारे में अगर थोड़ा कुछ बताना चाहें? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा विद्युत जामवाल के साथ? विद्युत जामवाल के साथ एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि इंसान अगर मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है ना, तो मार्शल आर्टिस्ट बन के बाहर निकल आता है। तो वो ऐसा है, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव है मार्शल आर्टिस्ट को लेकर। आपने कुछ एक्शन वैक्शन कुछ किया है? हाँ, वो तो अब एक्शन फिल्म विद्युत जामवाल के साथ है, तो बनता है ना एक्शन करना। थैंक यू, थैंक यू। द सरप्राइज, आई थिंक वी ऑल नो दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फ्ली शो एंड विच इज गोइंग टू हैपन इन खार जिम खाना, सो यू गाइस गोइंग टू सी अस ऑल देयर, सो यू ऑल्सो बी देयर, एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फन। यू सी लॉट ऑफ गर्ल्स देयर देयर, एंड आई होप दैट एवरीबडी कम्स हियर एंड एंजॉय दिस event that's going to happen very soon. So, aaj kitni taiyari karni padegi? Time laga? Nahi, bilkul time nahi laga. What are you saying? I got ready very fast, and then yeah, only the time laga travel me from my house to this place, but then it's all worth it. Dewey is a very very dear friend, so when it comes to friends, I'm always there. And what do you want to say about the ambience? I'm still waiting to go inside. It looks really nice, very promising, very positive and happening. So I guess we're going to have a great fun inside. Any of your upcoming interviews? Yes, my couple of series are coming now. So after Chamma, there is a song coming very soon. So after that, we're going to see that. Thank you. Quite excited because I think this is the first time when we have a lot of stalls being put up by Bollywood stars. So I'm excited to see what they want to represent and what stalls they'll put up. Flea is always a great, you know, seller for me, because you know the kind of products and the stuff that you get at Flea Market you don't get online or in shopping, you know, like stores. So Flea is always fun, and you go with friends, have a kind of a picnic, you know, you drink, you shop. It's a great outing for me. So yeah. Any of your upcoming projects? I have just finished a short film with Shishir Sharma, which will be out on FNP's Media Wire, and I'm working on a feature film which is produced by an independent production house, so that's going to be out next year. So keep watching. Thank you. I think I'm really excited. It's the 5th year B Town ka, and every year they have been tremendously growing, and this time more than 250 stalls and adventure zone, a live bar. I think ये वीकेंड का परफेक्ट गेटअवे होगा अपनी फैमिली के साथ। सो ऑल द बेस्ट, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस 2 डेज ऑफ मैडनेस एट द बी टाउन फील्ड।
डिस्काउंट भी मिलते हैं तो इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं? आई थिंक एनी गर्ल और आई थिंक इनफैक्ट फॉर दैट मैटर एनी बडी वुड बी वेरी हैप्पी टू गेट डिस्काउंट्स इन शॉप. सो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि जहाँ डिस्काउंट्स होते हैं वहाँ शॉपिंग बहुत होती है. ओके थैंक यू. थैंक यू. बहुत एक्साइटेड हूँ. ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा है, हर साल होता है. और जूही जो है बहुत ही प्यार से एंड शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस. तो जो भी चीज़ मेरा मानना है पैशन से की जाती है उसमें तो रिजल्ट्स आने ही हैं. आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पे सेलिब्रिटीज़, लोग, सोशलाइट्स सब जमा हुए हैं यहाँ पे अपना सपोर्ट देने के लिए जूही को. एंड बी टाउन प्ली रॉक्स. थैंक यू. ये बी टाउन फ्ली का फिफ्थ एडिशन है. 2018 में हमने चालू किया था. 2020 तक हमारे 10 शो हो जाने चाहिए थे बट हुए नहीं अनफॉर्चुनेटली कोविड के वजह से. अब ये पोस्ट पैंडेमिक शो है. ये इसके लिए अलग है क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट टाइम फिटनेस इनकॉर्पोरेट किया है. फिटनेस इससे पहले कभी भी B2C मॉडल में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है. ये हम लोग पहली बार ही इंडियाज़ गॉट टैलेंट के भी लोग लेके आ रहे हैं जो मलखम उधर परफॉर्म करेंगे सैटरडे शाम 7 बजे. और बेली डांसिंग से लेके शिवाली का योगा से लेके DJ एलेक्स का परफॉर्मेंस, रैपर, आप जो बोलिए हमारे पास सब है ये टाइम. इस बार ही हमने फर्स्ट टाइम एक एडवेंचर जोन उधर क्रिएट किया था जो नॉर्मली एडवेंचर जोन बच्चों के लिए होता है. ये फर्स्ट टाइम हम लोग ने एडल्ट्स के लिए भी क्रिएट किया है. उधर ज़िपलाइन है, रैपलिंग है, टायर क्लाइंबिंग है और बच्चों के लिए बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ भी है. मोर देन 10 वर्कशॉप्स आर हैपनिंग. बहुत कुछ है इवेंट पे. मतलब आप आएंगे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आएगा उधर उसके लिए सब कुछ है कुछ ना कुछ. प्लस हमारे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि हमने वापस तीसरी बारी इन अ रो 200 स्टॉल क्रॉस करे हैं. तो हमारे पास 200 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं. आप आइए अपनी दिवाली की शॉपिंग कीजिए हमारे साथ, इन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए और गो होम कीजिए. वीकेंड आपका सॉर्टेड है हमारे साथ. ये फ्ली मार्केट बहुत टाइम के बाद हुआ है इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. आप लोग का साथ हो एंड वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू कम वाया यू. वी वांट टू स्प्रेड द वर्ड. एंड सबसे बड़ी चीज़ है ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योर रन बिजनेस है. ये बिज़नेस मैं और मेरी मम्मी चला रहे हैं फ़िलहाल. एंड ये हमारे सपना था एंड हम लोग बहुत खुश हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम लोग ये टाइम पे पहुँचे. आज का जो इन्फ्लुएंसर मीट है ये हमारा बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर मीट है क्योंकि हमारे पास ढेर सारे सेलिब्रिटी से लेके ब्लॉगर से लेके आप बोलिए हमारे पास आज सब है जो आए हमारा सिर्फ हम लोग को साथ देने के लिए और कुछ नहीं. दे आर योर मेरे लिए, मेरे इवेंट के लिए एंड सबसे बड़ी चीज़ दे आर योर टू सपोर्ट अ वुमेन एंड दैट मीन्स अ लॉट. दैट्स रियली अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सो आज का जो एंबियंस है यहाँ का, क्या कहना चाहिए अपने शो के बारे में, क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटेड है आज की नाइट? वेल आई थिंक सबसे पहले तो आज की इवनिंग स्टार्ट हुई है विक्टोरिया सीक्रेट से. आई एम वेरी हैप्पी कि इट हैज़ फाइनली बीन लॉन्च इन इंडिया एंड दैट टू इन मुंबई. एंड ऑल्सो मतलब वो ऑलमोस्ट स्टॉक से बहुत ज़्यादा बाहर भी हो चुके हैं. सेकेंडली ये फ्ली मार्केट के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि वीकेंड में होने वाला है, बांद्रा में होने वाला है. एंड आई थिंक सो as a woman या फिर as a girl I think so we all love flea market. There's always something different that is out there. सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है. एंड also it is organized by Juhi and I'm really very excited and looking forward to it. क्या सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए excited है? फ्ली मार्केट में I'm just looking forward कि क्या क्या होने वाला है. बिकॉज फ्ली मार्केट इनडायरेक्टली मतलब एक ऐसा मार्केट रहता है जहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं तो यूजुअली आपको कहीं पे भी शॉप पे नहीं मिलेंगे. तो आई एम ऑल्सो लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या क्या हो सकता है वहाँ पे. पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं बट ऑन फ्लोर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मैं पक्का बता नहीं सकती हूँ. तो वंस दे आर कन्फर्म फॉर श्योर. बिल्कुल मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कोई म्यूज़िक वीडियो करूँ. जल्द ही मैं वेट कर रही हूँ कि कोई ना कोई म्यूज़िक वीडियो आए. मेरे पास एक था बट आई वांट थिंग्स टू गेट फाइनलाइज एंड मटेरियलाइज फास्ट. थैंक यू. दिस इज़ रेशमा चौहान, लक्ष्मी लाइफस्टाइल.
influencer and event curator. I'm so happy to be here today to support my friends who are the creators of B-Town Flea. I've been attending their events since a couple of years and I wish them all the best. Neha and Jui, you rock, and they have some amazing brands on board this year for shopping. So do come and visit B-Town Flea this year. Thank you. Actually, I am very excited to go attend the B-Town Flea. I have heard there's a food zone, a fitness zone, a fun zone, an adventure zone, and live performances. So I'm very, very excited about the 15th and the 16th and to attend this event.